यदि आप इस वीडियो की मदद से एम्बिएंट लाइट का सेटअप कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यदि आप एलईडी स्ट्रिप में पावर ईएसपी के थ्रू दे रहे हैं तो आपको चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर का यूज करना होगा, नहीं तो आपकी चिप ओवरहीट हो सकती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 एम्पियर से ज्यादा है तो आपको पावर डायरेक्ट स्ट्रिप को देनी होगी और स्ट्रिप के थ्रू ईएसपी को पावर देनी होगी। ध्यान रहे, चार्जर सिर्फ 5 वोल्ट का ही यूज करना है, यहाँ पर सिर्फ एम्पियर की बात हो रही है। आपको कितने एम्पियर की जरूरत है ये आप WLED वाले इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। इस जगह आप अपने एम्पियर रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। ये LED की संख्या के आधार पर कम और ज्यादा हो सकती है, जैसे कि 300 LED के लिए 5 वोल्ट 17 एम्पियर की जरूरत है या 50 LED के लिए 3 एम्पियर की जरूरत है। यदि रिक्वायर्ड एम्पियर ज्यादा है और आपका चार्जर कम एम्पियर का है तो भी आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी। 3 या 4 एम्पियर का चार्जर काफी है 300 LED को अच्छी ब्राइटनेस देने के लिए, लेकिन अगर चार्जर ज्यादा एम्पियर का है और रिक्वायर्ड एम्पियर कम है तो एम्पियर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लिमिटर का ऑप्शन भी मौजूद है, इससे आप एम्पियर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 50 LED के लिए 3 एम्पियर की जरूरत है और आप 4 एम्पियर का चार्जर यूज कर रहे हैं तो आपको ये लिमिटर ऑन करना होगा और 3 एम्पियर के लिए यहाँ पर लिमिट लगानी होगी। 3 एम्पियर का मतलब 3000 मिली एम्पियर होता है, इसलिए यहाँ पर 3000 मिली एम्पियर डाल के सेव करना होगा ताकि स्ट्रिप को 4 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर मिले। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 एम्पियर से ज्यादा है तो आपको पावर डायरेक्ट स्ट्रिप को देनी होगी और स्ट्रिप के थ्रू ESP को पावर देनी होगी, जैसा कि फोटो और वीडियो में दिखाया गया है। कोई पुरानी USB केबल या माउस के तार को काट के उसमें से प्लस और माइनस वाली वायर को अलग कर लें। कटे हुए USB के प्लस और माइनस को स्ट्रिप के इन 2 एक्स्ट्रा वायर से कनेक्ट कर लें और फिर स्ट्रिप में बचे हुए इन वायर को ESP से इस तरह से कनेक्ट कर लें। रेड वायर को वोल्ट इन से, व्हाइट को ग्राउंड से और डाटा वाली ग्रीन वायर को D2 या D4 जो भी आपने सिलेक्ट किया है उससे कनेक्ट कर लें। इस तरह से कनेक्शन करके ESP गर्म नहीं होगी और 2 एम्पियर से ज्यादा का चार्जर भी यूज कर सकते हैं। फुल सेटअप करने के लिए फुल सेटअप वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। WLED ऐप एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर से ये वाली ऐप डाउनलोड करें और मोबाइल और ESP को सेम Wi-Fi से कनेक्ट करें। फिर ऐप ओपन करके इस प्लस वाले बटन को टच करके डिस्कवर लाइट्स पे टच करें। फिर आपको फाउंड WLED शो हो जाएगा, फिर इसे ओके करके आपको LED की सेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप इसे सेम PC की तरह यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लिमिटर लगा सकते हैं या इसे ऑफ कर सकते हैं। और भी काफी इफेक्ट इसमें मौजूद हैं। अगर एम्बिएंट लाइट के सेटअप के संबंध में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।